बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां महिला से यौन शोषण का मामला सामने आया है। महिला के देवर और नंदोई ने दुष्कर्म किया है महिला के साथ। वही शिकायत लेकर थाने पहुंची महिला को दरोगा ने भगाया है। बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। कानून व्यवस्था के दावे करने वाली सरकार में जहां पीड़िता के को दरोगा ने थाने से भगाया है, एसएसपी ने से महिला ने शिकायत की है, वही न्याय की आस में दर दर की ठोकरें खा रही है महिला। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अमन जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। जी अमन, आपसे जानेंगे महिला से दुष्कर्म के मामले में जहां एक बड़ी लापरवाही कानून व्यवस्था को लेकर देखने को मिली है, दरोगा ने थाने से पीड़िता को भगाया है, क्या कुछ कार्रवाई हो रही है इस मामले पर? देखिए शिखा, आपको बताना चाहूंगा कि माल थाना अंतर्गत ग्राम सभा है गोबरा मऊ, जहाँ पर एक महिला के साथ 8 तारीख को एक दुष्कर्म जैसी घटना हुई थी, जिसके बाद पीड़ित महिला 9 तारीख को अपने भाई के साथ जो माल थाना है वहां पर गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो पीड़ित पक्ष है वो कमजोर था, जिसके चलते जो महिला है उसका पक्ष रखा नहीं गया और पीड़ित को वहां से भगा दिया गया। लेकिन काफी मशक्कत के बाद जो है उसके भाइयों ने हार नहीं मानी, लेकिन आज एसएसपी आवास में आई की गुहार लेकर के पहुंचे थे, लेकिन कहीं ना कहीं एसएसपी ने भी उनकी ये व्यथा नहीं सुनी और वहां से भी उनको कुछ हाथ नहीं लगे, जिसके बाद आज लाइव टुडे ने खबर इसको प्राथमिकता से दिखाया और खबर का बड़ा असर हुआ है। अभी कुछ देर पहले ही सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि एसओ ने खुद महिला को बुलाया है और जो है खुद ही बात की है और जो है आगे कार्रवाई करने की बात कही, लेकिन अब इस पर बड़ा सवाल ये उठता है क्या कुछ इसी दबाव के चलते ही क्या इस तरीके की वारदातें सामने आती रहेंगी, या जो पुलिस है वो कहीं ना कहीं अपने साथ भी कुछ काम करे, जिससे जो है जो पुलिस की जो छवि है, जो साफ सुथरी छवि है, उसको लेकर के लोगों के अंदर काफी डर रहता है कि पुलिस के साथ हम लोग जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम लोगों को न्याय मिलेगा, लेकिन उस तरीके की न्याय की बातें इस तरीके। जी अमन, जानकारी देने के लिए धन्यवाद आपका।